गुड मॉर्निंग ऑल। तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और आज उठने में हो गई हूँ मैं लेट, क्योंकि कल हम लास्ट डे बहुत थक गए थे, कल ऋषिकेश गए थे और रात को जब वापस आए तो हे भगवान, इतना ट्रैफिक था कि ट्रैफिक में ही हम मतलब 2 किलोमीटर हमने 2 घंटे में तय किया था। और मैं कल के ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई, तो उसकी जर्नी फिर से दिखाऊंगी। आज सेकेंड डे है हमारा और आज हम घूमेंगे हरिद्वार। तो आइए चलते हैं आगे। अब मैं फटाफट रेडी हो लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे। पर अभी तो मेरा एक शॉट है, उसके बाद वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए मिलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो बाबा जी बाबा को लगा रहे हैं अपना, देखिए चंदन का टीका, और बहुत ही बढ़िया मतलब ब्लेसिंग दे रहे हैं अपनी पंडित जी बाबा जी को। जय भोलेनाथ। बारूज, तो आप क्या बने थे अभी? ये नहीं दिखना चाहिए। आप क्या बने थे? देवता लग रहा हूँ फिलहाल तो मैं। हाँ देवता, कौन सा देवता लग रहे हो? तो पता नहीं, तो आप बताओगे ना देखने वाले। मुझे इंद्र देव लग रहे हो। ये गले में क्या पहना है आपने? मंगलसूत्र है, इस पे हाथ नहीं उठा रहे का। अभी नौ लखा है। अच्छे से नौ लखा हार दिखा रहे हैं, देखो तो। हाँ बहुत ही सुंदर नौ लखा हार पहना था बारूज ने। ओ मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, सो फनी। ओ माय गॉड, ये अभी उखड़ जाएगा। ओ देखो वो की स्टार्ट था 10 तोले का। 9 लाख वाला 5 लाख का तो बना दिया। चलो हमारा बहुत ही फन हो रहा है शूट पे, ये अच्छे। तो फाइनली हम आ गए हैं घाट पे और यहाँ पे देखो शॉट चल रहा है अभी, शॉट चल रहा है और इधर सारा मतलब टीम अपनी प्लान कैमरा सेट कर रही है। और इधर देखो, इधर हो रहा है बाबा जी का मेकअप, अब इनका भी शॉट आने वाला है तो इनका भी मेकअप हो रहा है। वो देखिए गिरीश भैया, मॉडर्न ब्लॉग देखा, मॉडर्न मॉडर्न साधु बने हुए हैं, देख लिया। वो फर्स्ट था भैया। अच्छा। चलो जो भी कमी होगी आप मुझे एक ओरिजिनल व्यू देना तो मैं आगे इम्प्रूव करूंगी उस चीज को। हाँ थैंक यू। और बस ये रहा यहाँ का व्यू, अभी आगे और दिखाती हूँ आपको। अभी मेरा भी मेकअप होने वाला है थोड़ी देर में। देखो यहाँ भैया का अभी स्टार्ट हो रहा है मेकओवर, तो अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो अभी क्या बनने वाले हैं आप? इसमें साधु करूँ। हेलो, अभी फाइनली अभी मेरा शॉट है, तो अभी मेरा मेकअप हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट सॉन्ग जो आ रहा है वो सारे गाँव पा के लिए हम अभी प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं, तो उसमें एक मेरा छोटा सा रोल है, तो उसके लिए अभी मेरा मेकअप हो रहा है। तो चलिए आगे। तो फाइनली देखो मेरा मेकअप हो चुका है और कुछ इस तरह का मेकअप है मेरा, क्योंकि इसमें मेरा जो रोल है वो ब्लाइंड गर्ल का है। उसके पीछे सारी सेटिंग हो रही है वो देखो। फाइनली अभी हम तीनों जा रही है नहाने, स्नान करने, गंगा स्नान करने। और देखो एक और आ गई फाइनली। डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं हम घाट पे और अब हम करेंगे स्नान। और देखो मेरा जॉय स्विमिंग कर रहा है, लेके जाओ इसको पीछे, स्विमिंग करेगा। ये स्विमिंग, वाओ कितने प्यार से स्विमिंग कर रहा है ये, इसके तो बहुत ही मजे आ रहे हैं। फाइट, वाह जो कुछ मारी नहीं जॉय को ला, मैं जॉय को ला। ठंड लग रही है
और हमारा जॉय सबके साथ लगा हुआ है। तो अभी बज चुके हैं 7 और अभी हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, तो बस अभी रात को पहुंच जाएंगे घर वापस। तो अभी फाइनली अभी हमें चंडीगढ़ 70 किलोमीटर है और कहीं पे अभी रास्ते में हमें अच्छा ढाबा नहीं मिल रहा है। बस अभी हम सर्च कर रहे हैं कि फाइनली हमें कोई ढाबा मिले और हम अपना डिनर करें। और बेचारा जॉय अभी थक गया है, देखो कैसे बैठा है मेरी गोदी में अभी ये जॉय। चल मैं कोई ना देखता। क्या हुआ जॉय? ओ देखो जॉय को। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पहुंच जाए। क्या करना है? अभी डस्टबिन में डाल लेंगे ना हम इसको आगे। क्या बोल रहे थे आप कोमल? क्या इसको थोड़ा सा इसको सहारा देना है। हाँ इसको मैं सहारा देती हूँ, पर ये इधर से ना उधर पहुँच जाके स्टिल ही मेरे पाँव पे बैठा हुआ है। मतलब क्यूट। आजो 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 बुगे। अर्जुन पंजाबी ढाबा और कोमल सकलानी जी। हाँ जी गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं अर्जुन पंजाबी ढाबा पे। मतलब अभी रात के 11 बज रहे हैं और हमें कोई ढाबा नहीं मिल रहा था रास्ते में, फिर ये मिला तो हम यहीं रुक गए। पेट में खाना कैसा आता है, बस बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बस अभी यहाँ से हार्डली 40 किलोमीटर बाकी है अभी घर आना। और जॉय को भी बहुत भूख लगी है अभी, उसको भी अभी कुछ भी नहीं खिलाया है हम लोगों ने। और रास्ते में तो हमारा क्या ग्लोल हुई आपके साथ? मैंने मंगवाया था बादाम शेक लेकिन मुझे फलूदा पीना पड़ा। आपको क्या लगता है क्या मंगाया था इन्होंने, आप बताओ? मंगाया तो फालूदा ही था। हाँ, अरे मैंने आपने मंगाया था फालूदा? नहीं आपके लिए मैं मना कर रहा था, मैंने 100 बार बोला, मैं बोला फालूदा बेकार होता है। मैं स्पेशली अरे मीने भाई के लिए फालूदा, ऐसा नहीं बोला आपने। फालूदा नहीं लेना चाहिए। आपने बोला एक फालूदा करो और एक बादाम शेक करो। अरे मैंने तो बोला था कि हम सभी उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके और मंगवा पाए, लेकिन फालूदा आपने ही मंगाया था। मेरा ही फालूदा हो गया अभी, हो गया आपका। बात एक जरूर है कि फालूदा के चक्कर में हम लोग इतना हंसे हैं कि चलो थोड़ा सा यूनिट तो हमारे ब्लड का बढ़ गया होगा, हो सकता है। तो बस गाइस अभी थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे और फिर फाइनल करेंगे रेस्ट। ओके वेट करो खाने का, अभी खाली बैठे हुए हैं। खाली प्लेट आई है, पानी की बोतल नहीं, पानी आ चुका है, पानी से पेट भरो थोड़ा। तो गाइस हम खाना खा चुके हैं। हे गर्ल्स कैसा था खाना? बिल्कुल मजा नहीं आया यार। अच्छा था, बस जीरा राइस में जीरा नहीं था और छोले मसाले में छोला नहीं था। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। तो बहुत ही औसम ट्रिप रहा हमारा ये अभी हरिद्वार केस का। बाकी गाइस आगे और ब्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए, सो प्लीज़ कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। होप यू गाइस लाइक माय ब्लॉग्स, कीप सपोर्टिंग प्लीज़। थैंक यू, गुड नाइट, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।